लेकिन अब देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है। अब देखना वापस से सीढ़ियाँ आ जाएंगी, वापस से जादू होगा और वापस से सीढ़ियाँ आ जाएंगी। जादू होगा, जादू होगा, जादू होगा, जादू होगा, सीढ़ियाँ आ जाओ, आ जाओ। आगे 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 है ना मजे की चीज़। तो यार मैं वापस आ गया हूँ वो भी बहुत ही दिनों बाद, और आज हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के 5 हैक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले तो एक्चुअली मैं गया हुआ था कश्मीर ट्रिप पे, मैंने यूट्यूब से छोटा सा ब्रेक लिया और मैं घूमने चला गया कश्मीर, और वहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत कुछ मैंने देखा। लेकिन टेंशन मत लो यार, मैंने तुम्हारे लिए व्लॉग्स भी बनाई हैं जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने दूसरे चैनल यानी कि खलील व्लॉग्स में अपलोड करने वाला हूँ, तो तुम वहाँ पे व्लॉग्स देख सकते हो। तो वो व्लॉग्स तो बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के 5 हैक्स के बारे में, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो नंबर 4 पे आता है वो हैक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, तभी मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है। तो हम बनाने वाले हैं एक टीवी, यानी कि हम टेलीविज़न बनाने वाले हैं जो कि तुम्हारे कमरे में पड़ा होगा और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो उसके लिए जो हमें सामान चाहिए ना, वो चाहिए ये सब कुछ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो ये है कि हमें एक दीवार बनानी होगी वाइट कलर की, ताकि हमें वो टीवी अच्छे से दिखे। वाइट कलर की दीवार बनाने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि 2-2 ब्लॉक की हमें टोटल 8 ब्लॉक लगानी पड़ेंगी कुछ इस तरह से। तो इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा पेंटिंग। तो ये पेंटिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कराटे वाली पेंटिंग आ गई, और नीचे से हमें कुछ इस तरह सा करना होगा ताकि ये टीवी टाइप का दिखे। तो ये देखो कितना खूबसूरत टीवी लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। एक काम करते हैं कि एक और भी टीवी बना लेते हैं जिसके पीछे हम बैकग्राउंड नहीं रखेंगे, यानी कि हम वाइट बैकग्राउंड नहीं रखेंगे, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी तो इसके ऊपर हमने ब्लैक लगा देना है और उसके बाद नीचे से हमने स्टेयर लगा देनी है और फिर स्लैब लगा देनी है और फिर इसके बैकग्राउंड वाला वाइट ये सब कुछ हटा देना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं ताकि ये कुछ ओरिजिनल टाइप का कुछ टीवी दिखे। तो ये हमारा बन गया, अब इसके ऊपर हमने पेंटिंग लगानी है। तो ये पेंटिंग कुछ बड़ा ही आ गया, तो छोटा वाला पेंटिंग लगाओ, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, बड़ा हो गया, यार ये क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है, ये इस टाइप का इसलिए दिख रहा है क्योंकि पीछे हमने वाइट बैकग्राउंड नहीं लगाया। अगर वाइट बैकग्राउंड हम लगा देंगे तो ये पेंटिंग कम्प्लीट इस ब्लैक वाली जगह पर आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब जो हम बनाने वाले हैं वो है किचन का पूरा सेटअप, यानी कि हम कुछ भी चीज़ आसानी से पका सकते हैं, और ना सिर्फ पका सकते हैं, इससे हम डायमंड्स भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं और कोल भी ले सकते हैं और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। तो वो हम बनाते हैं कुछ यहाँ पे। तो एक काम करो, हमें 4 ब्लॉक खोदना पड़ेगा और उसके अंदर हमें रखने पड़ेंगे चेस को, और चेस दोनों को मिला देना है, यानी कि अगर नहीं मिलता तो बैठ के मिलाओ तो दोनों के दोनों मिल जाएंगे। तो ये मिल गए, और उसके पीछे हमें लगाने पड़ेंगे होपर, और होपर कुछ इस तरह लगाना है कि वो चेस के साथ चिपक जाए। तो यहाँ पे ये चिपक गया, ओके ये चिपक गया। इसी तरह हमें दूसरा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं चिपका, तो वापस ऊपर से लगाते हैं। तो अब ये चिपका, इसी तरह ये 4 के 4 होपर हैं, वो चेस के साथ चिपका दो। ठीक है, इनके साथ मिलने चाहिए, चेस के साथ मिलने चाहिए। ठीक है, तो वापस से ये चिपक गए, इसी तरह चौथा भी लगा दो। तो ये 4 के 4 चेस के साथ चिपक गए। अब हमें क्या करना होगा कि इसको ऊपर हमें स्मोक लगाना पड़ेंगे और दूसरी तरफ हमें ब्लास्ट फर्नास लगाना पड़ेगा। अब याद रखना, ये 4 के 4 में तुम नॉर्मल फर्नास भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने ये लगा दी ताकि ये फास्ट काम करे, और उसके ऊपर मैंने लगा दिया होपर। ठीक है, लेकिन ये वेदर को क्लियर करते हैं और फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। अब हमें क्या करना होगा कि स्मोक और ब्लास्ट फर्नास के साथ भी हमें होपर चिपकाने पड़ेंगे कुछ इस तरह से। तो ये चिपक गए, ठीक है, अब ये चिपकाने के बाद ना, अब वापस इनके ऊपर हमें चेस रखने पड़ेंगे।
तो बैठ के चेस रखो ताकि चेस्टों को भी आपस में चिपका सको। तो ये मैंने चिपका दिए, इसी तरह बाकी दो भी चिपकाने पड़ेंगे, तो ये भी चिपका दिए, और इसी तरह हमें ऊपर भी वापस से चेस रखने पड़ेंगे। तो मैं मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है वापस ऊपर जाते हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं अब सही है, अब ये इन दोनों को मिलाना पड़ेगा यार मुझे, ठीक है इनको मिला दिया। अब यहाँ से ये दोनों चेस को भी मिलाना पड़ेगा मुझे कुछ इस तरह से, तो ये भी मिला दिया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बहुत सारा कोल चाहिए, और मुझे कुछ चीज़ पकाने के लिए मीट चाहिए, और मुझे डायमंड ओरे चाहिए या फिर आयरन ओरे, कुछ भी ले लो यार। तो मैं काम करता हूँ कि जल्दी से ना हम क्या कहते हैं कोल लेते हैं और अपने काम की और भी चीज़ें ले लेते हैं यार। तो जो स्मोक वाला है वो पकाने का काम करेगा, तो उसके अंदर हमने मीट डाल दिया, और पीछे की वाली जगह पे हमने डालना है कोल। तो आधा मैंने कोल इससे डाल दिया, अब हमें क्या करेंगे ये पका के देंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि डायमंड ओरे रखते हैं और पीछे हम रखते हैं वापस से कोल। अब हमारा काम करना शुरू कर दिया, ये देखो बहुत तेज़ी से बन रहा है, बहुत तेज़ी से बन रहा है, और जो भी बन रहा है ना वो ऑटोमेटिक चेस के अंदर जा रहा है, जो भी बन रहा है वो ऑटोमेटिक चेस के अंदर जा रहा है। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल हम अपने घर में ऐसा कुछ बना सकते हैं, और फिर जब हम थोड़ी सी देर में घूम के आएंगे तो हमारा सारा का सारा खाना पक जाएगा, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब दिखाता हूँ, अरे ये देखो ये चीज़ें पक गई यार, वाओ। अब देखो यहाँ पे और भी आएंगी देखना, अभी यहाँ से डायमंड भी मिल गई हमें, हमें पत्थरों के अंदर से डायमंड भी मिल गई, और ये देखो दो और भी पक गई, और दो और भी पक गई, ये पकती जाएंगी, अब पकती जाएंगी, ये रुकेंगी नहीं जब तक इनके पास मीट और आयरन खत्म ना हो जाए, आयरन नहीं मीट और कोल खत्म ना हो जाए। अब जो बनाने वाला हूँ वो हैक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ एक ऑटोमेटिक गेट जो कि तुम्हारे आई स्कैनर से अनलॉक होगा या फिर तुम्हारे फेस से अनलॉक होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैक इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए जो हमें सामान की ज़रूरत है ना वो है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें चार ब्लॉक नीचे खोदना पड़ेगा और एक ब्लॉक अंदर खोदना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा हमें फेंस, और उसके ऊपर हमें फिश डालना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमें प्रेशर प्लेट डालना पड़ेगा। अब हमें रेड स्टोन चाहिए, तो रेड स्टोन लगा दो, और यहाँ से नहीं खोदना था यहाँ से, ठीक है। अब इसके ऊपर वाइट डाल दो, वाइट ब्लॉक, और उसके ऊपर ही डोर लगा दो, आयरन डोर लगा दो, ठीक है। अब वापस से ना हमें एक रूम टाइप का बनाना है, लेकिन मैं सिर्फ एक दीवार बनाऊंगा ताकि तुम्हें समझा सकूं, हमें पूरा कमरा यानी कि हम रूम बनाने वाले नहीं हैं, वो तुम खुद बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, और इसको कर देना है बंद। अब देखो ये काम नहीं करेगा अभी भी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक आइटम फ्रेम लगा देंगे और एक लगा देंगे आइज़ ऑफ एंडर, लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके ऊपर जो हमने अंदर जो फिश डाला है ना वो फिश तभी वर्क करता है जब उसके करीब कोई चीज़ आ जाए, लेकिन अभी हम क्रिएटिव मोड में हैं तो हमें सर्वाइवल मोड में जाना पड़ेगा ताकि वो फिश सेंस कर पाए कि हम उसके करीब आ गए, और जैसे ही वो फूल जाएगा यानी कि मोटा हो जाएगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद भी होगा। तो अब हम सर्वाइवल मोड में हैं और हम जा सकते हैं, तो सिंपल सामने आ जाओगे और दरवाज़ा बंद, ठीक है दरवाज़ा बंद हो गया ना, अब वापस जाओ और दरवाज़ा खुल जाएगा। अरे खुल जा, खुल गया ना, हाँ खुल गया, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक डोर है जो कि थोड़ी देर बाद अपने आप बंद भी हो जाता है, और तुम इसको करीब से देखोगे तो ये खुल जाएगा, ये देखो खुल गया, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और तुम अच्छा से कमरा बना सकते हो, अपना रूम बना सकते हो आराम से, और ये आराम से काम करेगा, ये देखो वापस खुल गया, तो ये वापस बंद भी हो जाता है, बंद हो जा, बंद हो गया। इसी तरह ना तुम क्या कर सकते हो, इसके दूसरी तरफ भी लगा सकते हो यही सेम चीज़, तो ये पीछे से भी काम करेगा और आगे से भी काम करेगा, तो है ना मज़े की चीज़। तो चलो यार नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं और भी ज़्यादा फन करते हैं, और नेक्स्ट हैक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है तो वो भी ज़रूर देखना। तो अब हम जादू करने वाले हैं, क्योंकि हम एक ऐसा हैक बनाने वाले हैं जिसमें ना हमारी जितनी भी सीढ़ियाँ हैं ना वो ऑटोमेटिक हिडन हो जाएंगी, यानी कि वो नज़र नहीं आएंगी और अचानक से खुद ब खुद नज़र आ जाएंगी, है ना जादू। तो जादू होने वाला है, उसके लिए जो हमें सामान की ज़रूरत है वो सब कुछ है ये।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि स्टील की पिस्टन लगाने पड़ेंगे कुछ इस तरह से। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, उसी तरह से हमें लगाने पड़ेंगे और कुछ सीढ़ियों वाला शेप देना है। तो मैं करता हूँ यहाँ तक, तो तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ तक भी लेके जाओ इन सीढ़ियों को, मैं सिर्फ यहाँ तक करता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब हमें क्या करना होगा, वाइट ब्लॉकों पीछे से लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ना कुछ इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से कुछ लगाने पड़ेंगे सीढ़ियाँ, ठीक है। तो सीढ़ियाँ लगाते जाओ, हमें ऊपर तक लेके जाना है इसी को। सीढ़ियाँ लगाने के बाद ना अब हमें क्या करना होगा कि अरे नहीं, वापस से सीढ़ियों का यूज़ करना है, कुछ इस तरह से मुंह करके फिर नीचे से लगाना शुरू करना है। तो सीढ़ियों का शेप कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऊपर तक लेके जाना है, इससे क्या होगा कि हमारी सीढ़ियाँ छुप जाएंगी। ये भी लगाने के बाद ना अब हमें क्या करना होगा कि वाइट ब्लॉक का ना हमें एक वॉल बनाना होगा, यानी कि दीवार बनानी होगी। तो दीवार बनाते हैं और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये दीवार हमारी बन गई है, तुम किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो, लेकिन मैंने ये दीवार बनाई है तो तुम कोई भी डिज़ाइन ले लो यार। देखो अब हमें क्या करना होगा, कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा पीछे करते हैं, यहाँ पे वही मछली वाला सेम सिस्टम करना होगा। यहाँ पे फेंसेस लगाओ, यहाँ पे मछली डालो, ऊपर हमें प्रेशर प्लेट डालना है और रेड स्टोन का यूज़ करना है कुछ इस तरह से। तो ये देखो अभी से खुल गया है, अभी से खुल गया, ये जैसे काम करेगा ना फिर देखना कितना मज़े की चीज़ आएगी, कितना मज़ा आने वाला है। अब एक काम करते हैं कि इसको ना ऊपर से थोड़ा सा और भी ज़्यादा इसको थोड़ा सा लेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब ये प्यारा लग रहा है ना, ये देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। सिंपल क्या करो कि इस ब्लॉक के नीचे पास जाओ, करीब जाओ, ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, मुझे सर्वाइवल मोड में जाना पड़ेगा फिर ही ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो यार अभी हम सर्वाइवल मोड में आ गए और ये देखो यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन अब जादू से सीढ़ियाँ आ जाएंगी। तो चलो जादू करते हैं। हमें क्या करना है, हमें जहाँ पे हमने प्रेशर प्लेट लगाया था उसी ब्लॉक के पास जाना है और सीढ़ियाँ आ जाएंगी। ये देखो वापस तुम ऊपर जा सकते हो और सीढ़ियाँ गायब हो जाएंगी, देखो गायब हो गई। तो इसी तरह तुम दूसरी तरफ से उतर सकते हो, लेकिन बाहर की तरफ से सीढ़ियाँ गायब हो जाएंगी और किसी को शक भी नहीं होगा, है ना मज़े की चीज़, है ना जादू। लेकिन अब देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, अब देखना वापस सीढ़ियाँ आ जाएंगी, वापस से जादू होगा और वापस से सीढ़ियाँ आ जाएंगी, जादू होगा। सीढ़ियाँ आ जाओ। आ गया, है ना मज़े की चीज़। मुझे तो बहुत मज़ा आया यार, तुम्हें मज़ा आया कि नहीं आया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ यार। तो चलो यार इस वीडियो को लाइक करो, अगर तुम्हें पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, और व्लॉग्स भी आने वाली हैं हमारे चैनल खलील व्लॉग्स पे तो वो भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पे मैं कश्मीर की पिक्चर अपलोड करने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ पे मुझे फॉलो करो, तो जाओ यार। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, बाय।